विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रविवार को बाड़मेर और बालोतरा की सातों विधानसभा की मतगणना होगी। राज्य के पीजी महाविद्यालय में मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पीजी महाविद्यालय के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया तो सुरक्षा की दृष्टि से पीजी कॉलेज रोड पर बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। रविवार सुबह 7 बजे से पहले मतगणना में लगे कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम का पिछले 7 दिनों से हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। इधर प्रशासन ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी है। जिले की 7 विधानसभा के 62 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है, जो रविवार को खुलेंगे। मतगणना रविवार को सुबह 8 बजे डाक मत पत्रों की गणना के साथ शुरू होगी। पहले रुझान 9 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। जिले की 7 विधानसभा में 172 राउंड होंगे। इसमें से सबसे ज्यादा राउंड शिव विधानसभा में 34 राउंड होंगे। दरअसल प्रदेश की 199 सीटों पर 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब नतीजों को लेकर बेसब्री से इंतजार है। 14.90 लाख वोटर्स ने बाड़मेर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों के 62 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है। ईवीएम में बंद भाग्य के फैसले को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्सुकता है। इस बार मतदान में भी मतदाताओं ने इतना ही जोश और उत्साह दिखाया था। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट पर मतगणना के लिए कुल 95 टेबल लगाई गई है। विधानसभा वार शिव बाड़मेर और गुड़ामलानी के लिए 12-12, बैतू 17, पचपदरा 11, सिवाना 16, चौहटन विधानसभा के लिए 15 टेबल लगाई गई है, जहां पर ईवीएम से मतों की गिनती की जाएगी। जिले की 7 विधानसभा की मतगणना के लिए कुल 172 राउंड होंगे। बाड़मेर जिले की 7 सीटों के लिए मतों की गणना सुबह 8 बजे 10 कमरों में शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे। शिव विधानसभा का परिणाम सबसे बाद में आएगा। यहां पर सबसे ज्यादा 406 बूथ हैं। इसके चलते राउंड भी सबसे ज्यादा 34 है। वहीं सबसे कम सिवाना में 18 राउंड होंगे। वहीं बाड़मेर में 26, बैतू में 20, पचपदरा में 23, गुड़ामलानी में 28 एवं चौहटन में 23 राउंड में मतगणना होगी।